कृष्णा आप लाइन पे हैं? जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप कृष्णा? बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? गुड गुड। कृष्णा ये बताओ कि आप अहमदाबाद में संजीवनी के साथ जुड़े हुए हो काफी समय से। जी मैम। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। जी मैम। और वहां पे आप काम पहले भी कर रहे थे, संजीवनी से जुड़ने से पहले भी कर रहे थे। जी मैम। और फिर जब आप संजीवनी से जुड़े तो आपने कैंसारथी कोर्स किया 4 महीने का। जी तो आपको क्या लगता है कि क्या फर्क आया आपके काम करने के तरीके में, या आपको लगता है कि पेशेंट्स के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें या काम करने के तरीके में क्या फर्क आया? व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अस? ओके मैम, सबसे पहले तो मैं पिता को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूंगी। उसके बाद मैम थैंक यू आपको, थैंक यू सर को, और थैंक यू मेरी पूरी संजीवनी टीम को, और थैंक यू उन पार्टिसिपेट को जो अपना टाइम निकालकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज अलग अलग स्टेट से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, अलग अलग जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। मैम मैंने अपनी जर्नी कैंसर में 2014 से चालू की थी। मैं एक छोटे स्कूल में एक टीचर्स जॉब किया करती थी, वहां 2 से 3 बच्चों के पेरेंट्स को कैंसर था, और मैं इस जर्नी से निकल चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे फादर इन लोगों को कैंसर था, हेड एंड नेक का, और उस वजह से तब इतनी फैसिलिटी नहीं थी, और पापा की शायद कई सारी चीजें ऐसी थी उनकी वजह से हम पापा को नहीं बचा पाए। वही मैंने जब मैं स्कूल जाती थी उन बच्चों की सुनती थी कि आज पापा को दर्द हो रहा है, मम्मी नहीं ले जा पा रही है, तो मैं स्कूल का जो मेरा पार्ट टाइम जॉब करती थी उसके बाद में उनके पापा के साथ में हॉस्पिटल जाती थी। उनका जो भी हेल्प होता था मुझसे बनता था, मैं डॉक्टर्स के साथ उनकी दवा फ्री करवाती थी या नर्स के साथ मिलकर उनकी, क्योंकि काफी सारे मुझसे जुड़ चुके थे और मुझे पहचानने लगे थे हॉस्पिटल में। उसके बाद 14 के बाद 15 में ईला मैम और भगवती मैम, मैम जब ये काउंसलिंग किया करते थे तो मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था। मैं जब भी जाती इनके पास, मेरी भाभी को था मल्टीपल माइलोमा, तो जब भी उनका कीमोथेरेपी लगवाने जाती तो मैं ईला मैम और भगवती मैम के साथ बैठती, उनकी काउंसलिंग सुनती, और वही काउंसलिंग में उसका फायदा उठाकर और मैं कई लोगों के साथ बैठकर किया करती थी। इस चीज को शायद ईला मैम और भगवती मैम नोट करते थे कि हमारी बातें सुनकर ही एक दूसरों को पहुंचा रहे। फिर मैम उसके बाद 2016 में मुझे आपसे मिलना हुआ, और मैं उस दिन को 19 मई 2016 को मेरी लाइफ का सबसे लक्की दिन मानती हूँ जो मैं आपसे मिली। थैंक यू कृष्णा। और मैम उस दिन ने मेरी लाइफ को ही चेंज कर दिया, जो सपने में लेकर चल रही थी कि मैं एक सोशल वर्कर बनूं, लोगों की सेवा करूं, मेरी पहचान हो। फिर मैम धीरे धीरे मैं जैसे संजीवनी से जुड़ी, लोग मुझे पहचानने लगे हॉस्पिटल में, और उसके बाद 2017 6 जून जो मेरा बर्थडे था उसी दिन एक कैंसारथी नाम का कोर्स मेरी लाइफ में आया, और उसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। उसके बाद मैम जो हम लोग कॉन्फिडेंटली पेशेंटों को नहीं समझा पाते थे, उनके भावों को नहीं पता कर सकते थे कि हम उनके साथ कैसे बात करें, अगर वो हमारे साथ रूडली व्यवहार कर रहे तो हमें उनके साथ कैसे मैनेज करना, ये सब चीजें हम अपने आप पे नहीं समझ पाते थे कि हम उनके साथ कैंसारथी कोर्स करने के बाद में हम इतने कॉन्फिडेंस से उनके साथ बात कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनकी जो आव भाव है उनका पता कर सकते हैं कि ये पेशेंट हमारे से क्या चाहता है और हमें उसे क्या देना है। तो मैडम ये हेल्प होने के बाद में शायद मुझे ऐसा लगता है कि संजीवनी से जो भी, अगर जिसने भी कैंसारथी कोर्स मैंने किया है, जिसने किया है और जो करने वाले हैं पार्टिसिपेट, शायद मुझे लगता है कि वो पेशेंटों के दिलों में इतने बस जाएंगे कि आधे पेशेंट जैसे अपने सेशन चल रहे हैं तो उनके अनुसार कई पेशेंट बोलते हैं कि हम इनको रेगुलर फॉलो करते हैं। मैं भी करती हूँ क्योंकि मैडम इतनी सारी चीजें मुझे भी नहीं पता थी, आज जो करना है घर में मैं रिफ्लेक्सोलॉजी है, योग है, वो डेली अभी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फ्री हूँ और मुझे वो चीज आगे पेशेंटों तक पहुंचानी है। अगर किसी पेशेंट ने पूछ लिया कि प्राणायाम क्या चीज है तो हम उसे कैसे बताएंगे जब तक हमें नहीं पता होगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो सीखने की भी कोशिश करें। उसके बाद मैडम कैंसर क्या है, कितने टाइप का होता है, ये कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब मैंने कोर्स के दौरान सीखा।
हॉस्पिटल में जाके हम किसी की कैसे मदद कर सकते हैं, अगर उसको मदद हमारी चाहिए और हमें पता नहीं होगा तो ये सब चीजें कोर्स के सीखने के दौरान मुझे इतना अपने आप में कॉन्फिडेंट आ गया कि मुझे लगता था कि अब कोई पेशेंट हमारी हेल्प के बिना नहीं जा सकता है हॉस्पिटल से। और धीरे धीरे जब मैंने कोर्स किया और इतने दिल से किया मैम, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा करियर और मेरी लाइफ ही यही बन गई है, पेशेंटों की सेवा और हेल्प करना। मैंने बड़े ही दिल से ये कोर्स किया और वो तो मैम रिजल्ट आपको पता ही है। यस, कृष्णा ने अपने बैच में टॉप किया था कैंसारथी का, जो 2017 का बैच अहमदाबाद में था। सो शी वॉज एट द टॉप। यस, थैंक यू। आपको लगता है कि आप ज्यादा सक्षम हो गए हो कैंसारथी कोर्स करने जी मैम? मैं ये कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि मैं इतनी सक्षम हो गई हूँ कि अब अगर किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ती है, उनके फैमिली में कॉल करना, उनकी फैमिली को तक मैडम हम यहाँ से समझा सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट पूरा करवा सकते हैं। अगर उनको किसी भी प्रकार की जरूरत होती है तो ये कोर्स करने के बाद मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि, और मैडम सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरी खुद की फैमिली का है कि मैंने अपनी फैमिली को स्टेज 4 के 4 पेशेंटों को क्योर कर दिया है। Very nice. मेरे रियल ब्रदर है, आज मैडम मैं उनको मिलवाती पर अभी वो थोड़ा नींद में, मैम उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनके पास 5 मंथ का टाइम है, उनका ऑपरेट भी कर दिया है, रेडिएशन भी हो गया, कीमोथेरेपी। मेरी पूरी टीम संजीवनी को और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी बिलीव नहीं करते कि भैया को इतना सब कुछ है। और मैम वो सिर्फ और सिर्फ कैंसारथी कोर्स करने की वजह से मैं ये कर पाई हूँ। तो मैं थैंक यू बोल संजीवनी को, आपको और मेरी पूरी संजीवनी फैमिली को। थैंक यू सो मच कृष्णा, एंड वी ऑल लव यू वेरी वेरी मच, एंड आई होप कि आप इसी तरह पेशेंट के दिलों में अपनी जगह बनाते रहिए और उनकी हेल्प करते रहिए। आखिरकार मतलब ये जिंदगी और मौत का सवाल है। जी मैम। सो थैंक यू सो मच कृष्णा।